नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके साहू। मेरे कोचिंग सेंटर आईएमपी के साहू सी जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज देखने वाले हैं शब्द अंतर्गत संज्ञा। संज्ञा से जितने भी सवाल बनते हो हम देखने वाले हैं, साथ में हम देखेंगे वचन और हम देखने वाले हैं लिंग। ठीक है दोस्तों, आज हम संज्ञा, वचन और लिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम बिल्कुल लास्ट में एनसीक्यू से लगाएंगे, कम से कम 20 से ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे। तब तक आप इस थ्योरी को पढ़िए और समझिए। ठीक है दोस्तों, अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसको पढ़ने के बाद आपको एनसीक्यू लगाने में आपको आसान हो। ठीक है, शब्द और पद, सबसे पहले आपको शब्द और पद समझना होगा। शब्द और पद होता क्या है? कभी कभी शब्द पूछ देते हैं, कभी कभी पद भी पूछते हैं, तो आपको बढ़िया आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो और वाक्य के बाहर होता है वह शब्द होता है। जब शब्द क्या हो, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो होता है और वाक्य के बाहर, वाक्य के साथ नहीं, वाक्य के बाहर होता है, तब इसे शब्द कहते हैं। किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द शब्द कहलाते हैं, किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। जैसे केवल एक ही लिख दूं मैं वाक्य, तो क्या हो गया? शब्द। लेकिन मैं इसको लिख दूं यह एक वाक्य है, तो पूरा क्या हो जाएगा? एक पद कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पद के भेद देखते हैं। प्रश्न पूछते हैं पद के कितने भेद होते हैं, तो पद के कितने भेद है? पांच भेद है। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। बिल्कुल याद रखिए कि पद के कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। बिल्कुल नाम भी याद रखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं संज्ञा। संज्ञा बहुत बार पूछा जा चुका है, इसके परिभाषा भी पूछा जा चुका है और इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। परिभाषा, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम ही उस संज्ञा कहलाती है। ठीक है, परिभाषा के अनुसार तो हम कह सकते हैं जो नाम है, स्थान है, भाव है, वस्तु है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरे शब्दों में किसी नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से उसे पहचाना जाता है। जिस नाम से जिसको पहचाना जाएगा वही संज्ञा होगा। संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है। भाषा का प्रयोग भी संज्ञा के बिना संभव नहीं है। जैसे संज्ञा के प्रकार, अब आता है संज्ञा कितने, तो इसमें दो प्रकार से, एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर, एक तो होता है अर्थ के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर इसके तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? एक तो होता है रूढ़, एक तो होता है यौगिक, एक होता है योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ आप सभी जानते हो, जिसको दो भागों में अलग करने पर उसका कोई सार्थक शब्द नहीं हो निकलता। यौगिक में किसी एक का एक सार्थक शब्द निकलता है। योग रूढ़ में किसी अन्य पद, अन्य शब्द का, उस शब्द का अन्य अर्थ निकलता है, ये योग रूढ़ होता है ना। तो पहले आपको प्रश्न दो प्रकार से बनता है, संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार कितने हैं उत्पत्ति के आधार पर, है ना, और पहले पद के कितने भेद हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा पांच प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। ये आपको बता रहा हूँ, इतना क्वेश्चन बनता है इससे कि हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। इधर बारीकी से देखेंगे तब कभी नहीं भूलेंगे इसको। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो किसी व्यक्ति, देखो व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, किसी व्यक्ति का नाम हो या स्थान का नाम हो या वस्तु का नाम हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? व्यक्ति हो। जैसे संज्ञा, सॉरी, राम। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। गंगा एक स्थान का नाम है।
है ना। पटना एक स्थान का नाम है, ठीक है। गंगा क्या है, एक जैसे नदी है, किसी चीज का नाम है वो, है ना। पटना भी किसी बस किसी स्थान का नाम है, ठीक है। उसे क्या कहा जाएगा आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत, आप बिल्कुल याद रखिए, व्यक्ति स्थानीय वस्तु का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा, अब इसमें जिसमें जाति का बोध हो, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती हो उसे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे नदी, नदी कहने से पूरे जितने भी नदी है, नदी जाति जितनी भी है उसका बोध हो जाता है। पर्वत, पर्वत कहने पर जितने पर्वत है उसका बोध हो जाता है। लड़की, लड़की कहने पर सारी लड़कियों का बोध हो जाता है। मतलब एक लड़की का नाम लेते ही पूरे लड़की का बोध हो जाता है, इसलिए इसको लड़की जाति, लड़का जात ऐसे बोलते हैं, है ना। नदी जातिवाचक संज्ञा, एक देखो एक उदाहरण देके बताया है। नदी जातिवाचक संज्ञा क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए क्या है ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सब क्या, एक विशेष, हर नदी का नाम नहीं होता, लेकिन नदी तो हर हर नदी को नदी कहते हैं, है ना। इसलिए एक नदी कहने से पास सारी जन नदी का नाम आ जाता है, पूरा बोध हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, जातिवाचक संज्ञा कहा गया है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आता है द्रव्य। द्रव्य माने क्या होता है, द्रव्य यानी होता है पदार्थ। द्रव्य यानी क्या होता है, पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस। मतलब जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ को बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी हुई है, या जिससे वस्तु बनी है। जैसे ठोस पदार्थ के रूप में देखें तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब क्या है, पदार्थ है। द्रव रूप में देखा जाए तो तेल, पानी, घी, दही, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक है। गैसीय पदार्थ में धुआं, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठोस, द्रव और गैस। अब आता है समूहवाचक संज्ञा। अब समूह से आपको समझ में आ रहा होगा, दल, संगठन, है ना, समुदाय, वर्ग, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। समूह, केवल समूह कहने से, एक छोटा सा बच्चा भी इसको समूह बोलोगे तो समझ जाएगा कि एक हम बहुत सारे होंगे उसको ही समूह कहा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक है उसे क्या कहा जाएगा, समूहवाचक कहा जाएगा। जैसे वर्ग, टीम, सभा, देखो सभी में बहुत सारे लोग रहते हैं, समिति में बहुत सारे लोग रहते हैं, आयोग में भी बहुत सारे लोग, परिवार में भी हो जाता है, पुलिस बोलने से भी पूरा पुलिस का क्या हो जाता है, हमारा दल का समझ आता है, सेना है, अधिकारी है, कर्मचारी है, ताश है, टी सेट है, ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा में बहुत लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो समूह में रहते हैं यदि उनका बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, अब एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा मैं, ये फिर तो नहीं होता, ले इमोशनल, किसी पे कुछ अपने दिल से कुछ आवाज़ आए, है ना, या कुछ समझ में आए, अपने अपनी तरफ से बता रहा उसको आपको समझने के लिए, वो भाव हमारे दिल में जो भाव पैदा हो या किसी बोलने से हमारे भाव की उत्पत्ति हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द, जिस शब्द से भाव और गुण का पता चले जिसको बोलने से, वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध, क्रोध में भी भाव है ना, क्रोधित हो जाते हैं। मिठास, अभी आपको खाने से मिठास लगेगा तभी तो आप बोलोगे ना बहुत मीठा है। यौवन, अभी यौवन से आप समझ रहे होंगे, यौवन, अरे यार बहुत जवान हो आप, यौवन हो। कालिमा, ये भी एक प्रकार का है, हमारे अंदर से भाव उत्पन्न हो रहा है ना, उसे क्या, भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव का बोध हो। जैसे भाववाचक संज्ञा के निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाविशेषण, अव्यव में आव, त्व, पन, अन,
इमा, इता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाए। जहां यह शब्द आपको दिख रहे हैं, इतने शब्द यदि किसी शब्द के अंत में लगा हो तो सभी क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि आपको बोला जाए बुढ़ापा, क्या बोला जाए, बुढ़ापा। अब बुढ़ापा में आपको भाववाचक संज्ञा लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, आ बड़े आ के मात्रा आ रहा है, बड़प्पन, बड़प्पन, बचपन, है ना, ये सारी चीजें क्या है, भाववाचक संज्ञा, मिठास, मिठाई वाला, ये सारी चीजें, बसाहट, ऐसा, ठीक है, गरिमा, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है लिंग। देखो, हमने पहले संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के भेद देखे, संज्ञा के प्रकार के आधार पर हम समझने समझने का प्रयास किए। अब देखते हैं लिंग। लिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिंग से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे खतरनाक तो लिंग ही है, क्योंकि लिंग बनाने आना चाहिए तो आपका ये सरल लगे। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं कि लिंग का शाब्दिक अर्थ हो क्या होता है, चिन्ह होता है। चिन्ह क्यों, कि इसके होने से हमको ये पता चलता है कि कौन पुरुष है और कौन महिला है ना, स्त्री और पुरुष की पहचान कराता है। इसलिए से क्या बोला गया है, चिन्ह शब्द के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। लिंग केवल दो ही होता है, एक तो पुल्लिंग होता है, एक तो स्त्रीलिंग होता है। पुंलिंग का संधि विच्छेद करके देखिए, पुम धनलिंग, मतलब पुंलिंग होना चाहिए, लेकिन म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, इसलिए क्या लिखा जाता है, इसको पुल्लिंग लिखा जाता है। ठीक है, हिंदी में लिंग निर्धारण। अब देखो, इसके लिए निम्न आधार ग्रहण किए जाते हैं, रूप के आधार पर लिंग निर्धारण, प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण, और अर्थ के आधार पर लिंग के आधार। अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या है इसमें। सबसे पहले तो रूप के आधार पर, रूप को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन लड़की और कौन लड़का है ना, इसके आधार पर। रूप के आधार पर लिंग निर्णय का तात्पर्य है शब्द की व्याकरणिक बनावट, शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तथा शब्दांश में कौन सा स्वर है, इसे आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसे जैसे पुल्लिंग की बात करें, पुल्लिंग में, पुल्लिंग में अकारांत और आकारांत दोनों, या तो अ वाला और बड़े अ वाला, दोनों क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, ये सब क्या है आपका, अकारांत है। चीता, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा, ये क्या है आपका, आकारांत है ना, दोनों क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वे भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में त्वा, व, या, ये प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य, ये सब भाववाचक है, लेकिन ये किस में आता है, ये पुल्लिंग में आता है। ठीक है दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आओ, आवा, खाना जुड़े हो, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाओ, भुलावा, पागल खाना, ये आदि, इसको आप तो रट लीजिए, ये बिल्कुल आता ही है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग क्या होता है, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं या इकारांत, आकारांत और इकारांत, अकारांत नहीं होता है ना, याद रखिए। जैसे लता, बड़े अक मात्रा, रमा, ममता, देखो राम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा है ना, जिसमें छोटी छोटे आओ, जैसे राम, राम में अंत में क्या आ रहा है, आ, तो ये अकारांत है। यदि रामा हो जाता तो आकारांत होता। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, आकारांत, आकारांत मतलब बड़े अक मात्र, लता, रमा, ममता, ये सब क्या स्त्रीलिंग है। इकारांत छोटी के मात्र, रीति, तिथि, हानि, कवि, कपि, रवि, पुल्लिंग है। देखो ये भी क्या है, कि अपवाद के रूप में है, इसको तो होना चाहिए स्त्रीलिंग, लेकिन अपवाद के रूप में सारी चीजें क्या हो जाती है, कवि, कपि, रवि, ये क्या है, सब पुल्लिंग है। इकाराम बड़े ई के मात्रा, यहाँ भी देखिए, नदी, रोटी, टोपी, किंतु अपवाद के रूप में हाथी, दही, पानी, ये पुल्लिंग, इसी को ज़्यादा पूछते हैं।
जब दोनों एक जैसा लगता है लेकिन दूसरे का उपयोग हो। देखो, कवि कपि और रवि बिल्कुल पूछेंगे आपको स्त्रीलिंग है या नहीं, हाथी दही पानी इसको पूछेंगे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो दही है ना, तो हमेशा जो है पुल्लिंग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाथी और पानी तीनों चीज़ याद रखिए, ये बिल्कुल तो पूछेंगे, जो अपवाद के रूप में है उसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पर वो चीज़ बताया गया है, आई या आवट आहट ता इमा, ये यदि प्रत्यय लगते हैं सारी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता और महिमा। देखिए ये सब क्या है आपके, स्त्रीलिंग है। ठीक है, कुछ और बताया गया है, यदि आपको देखना होगा देख सकते हो, ये बता देता हूँ मैं। संस्कृत के स्त्री प्रत्यय, जैसे छात्र का छात्रा हो जाएगा तो स्त्रीलिंग, महोदय का महोदया हो जाएगा तो स्त्रीलिंग, इंद्र का इंद्राणी हो जाएगा तो स्त्रीलिंग, रुद्र का रुद्राणी हो जाएगा तो स्त्रीलिंग, गायक का गायिका हो जाएगा तो स्त्रीलिंग, नायक का नायिका हो जाएगा तो स्त्रीलिंग, यक्ष का यक्षिणी हो जाएगा तो स्त्रीलिंग, योगी का योगिनी हो जाएगा तो स्त्रीलिंग। देखिए इसको तो आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। कुछ चीज़ और बताया गया है यहाँ पर, देखिए संस्कृत के स्त्री प्रत्यय उदाहरण यहाँ पर देखो, कुमार का कुमारी हो जाएगा, पुत्र का पुत्री, श्रीमान का श्रीमती, भाग्य का भाग्यवती, अभिनेता का अभिनेत्री, नेता का नेत्री, पति का पत्नी, भिक्षु का भिक्षुणी। ये तो बिल्कुल आप जो है इसको 100% तैयारी करके जाइए, ये तो आना ही है। ठीक है, हिंदी के स्त्री प्रत्यय, प्रत्यय तो सभी में लगेगा, आपको केवल इतना याद रखना है यहाँ पर कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। जैसे ठाकुर का क्या हो जाएगा, ठाकुराइन, पंडित का पंडिताइन, जेठ का जेठानी, मुगल का मुगलानी, तेली का तेलीन, धोबी का धोबीन, बेटा का बिटिया, लोटा का लुटिया, काका का काकी, पोता का पोती, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, इस प्रकार से। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, पहला हमारे पास कौन सा था, उत्पत्ति के आधार पर है ना, एक मिनट, किसके आधार पर पढ़ रहे थे हम, रूप के आधार पर, सॉरी रूप के आधार पर। आज हम अभी देख रहे हैं आपके पास, अब हम देखने वाले हैं प्रयोग के आधार, पहले रूप के आधार पर देखे, अब क्या देख रहे हैं हम, प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर हम देखने वाले हैं, प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जाता है। जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की, लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग है ना, राम की पुस्तक, राम का चाकू, इस प्रकार से ये प्रयोग के आधार पर है ना, क्या है ये, प्रयोग के आधार पर। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं वचन, क्या देखते हैं, वचन। वचन प्रश्न बहुत बार आ चुका है, वचन क्या है, वचन एक का अभिप्राय है संख्या से, विकारी शब्दों के जिस रूप में उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। प्रश्न कैसे आता है, ऐसा ऐसा कौन सा है जिसमें संख्या का बोध होता है ना, उसे किसमें संख्या का बोध होता है, लिंग दे दिया जाएगा, सर्वनाम दे दिया जाएगा, विशेषण दे दिया जाएगा और वचन दे दिया जाएगा, तो किसमें होता है, वचन में। हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, एक तो एक वचन, एक तो बहुवचन। एक वचन में क्या होता है, जब शब्द के जिस रूप में केवल एक ही वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज। ठीक है, इसमें एक एक होने का क्या हो रहा है, हमको ज्ञान हो रहा है। उसी प्रकार से देखते हैं बहुवचन, प्लूरल नंबर, शब्द के जिस रूप में अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बालकों, घोड़ों, किताबों, मेज़ों। ये बहुत सारे किताबों का, बहुत सारे घोड़ों का, किताबों का बोध हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, बहुवचन बोलेंगे। एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन नहीं होते, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, बहुवचन बनाने के प्रयुक्त प्रत्यय के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ए दिया हुआ है, मतलब आकारांत, यदि किसी शब्द के अंत में यदि ए शब्द आ जाए है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम,
बहुवचन, जैसे घोड़ा का घोड़े, लड़का का लड़के, गधा का गधे। उसी प्रकार से ए अकारांत एवं अकारांत स्त्री शब्दों में प्रयोग होता है ना। ये हमें क्या होता है, पुल्लिंग में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पुस्तक का पुस्तकें, बात का बातें, ये सब क्या है आपका स्त्रीलिंग है, ये सब क्या है स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार से या भी किस में होता है, इकारांत, और इकारांत मतलब किस में होगा, ये स्त्रीलिंग में होगा। जैसे जाति का जातियाँ, रीति का रीतियाँ, नदी का नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ, इस प्रकार से है ना। तो याद रखना किस में कौन कौन सा प्रयोग हो रहा है। ए का प्रयोग होता है तो अकारांत मतलब पुल्लिंग में होता है, ए का प्रयोग हुआ मतलब किसका हुआ, वो स्त्रीलिंग, या का भी प्रयोग होता है तो स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं, जैसे वृंद के मुनि वृंद, जन युवजन, गण कृषक गण, वर्ग छात्र वर्ग, लोग नेता लोग, इस प्रकार से है ना। अब इसमें तो ये जो दिख रहा है आपको ना, इसको तो आप बिल्कुल बार बार रिपीट करके इसको आप देखेंगे या नोट डाउन कर लीजिए, सीधी सी बात है ना। नोट डाउन करोगे तो अच्छा रहेगा। इसको हमेशा सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, हमेशा प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें आपको दिख रहे हैं, ये पूरे बहुवचन में होते हैं, कभी एक वचन में प्रयोग नहीं होता। प्राण का प्राणे नहीं होगा, दर्शन का दर्शन नहीं होगा, आंसू का आंसुआ नहीं होगा, होश का होशे नहीं होगा, बाल का बालो नहीं होगा, इस प्रकार से हमेशा ये बहुवचन में उपयोग होता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं एक वचन वाला, जो हमेशा एक वचन में उपयोग होता है ना। माल, जनता, समान, सामग्री और सोना, ये हमेशा जो है एक वचन में उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये रहा बहुवचन और एक वचन, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, कभी कभी प्रश्न पूछते अनेकों शब्द, कभी कभी वाक्य शुद्ध करने के लिए आते हैं और प्रश्न पूछ देते हैं, जहाँ अनेकों शब्द आया आँख मूंद कर आप उसको गलत मान लिए, क्या मानना है आपको, गलत मानना है, ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, कुछ 10 से 15 से 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिसे हमने पढ़ा उसके आधार पर एक क्वेश्चन आपको लगाना है। तो लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपने पढ़ा क्या और लगा क्या रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्दों को क्या कहते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीन नंबर है विशेषण और डी नंबर है विशेष्य। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के केवल कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। कितने भेद हैं, तीन भेद, कौन कौन सा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तीन। उसके बाद हम देखते हैं स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। देखिए दोस्तों, जहाँ त्वा, आओ, अम, आहट ये सभी चीज़ लगता है, वहाँ क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, भारतीयों, भारतीयों या भारतीयों, क्या होगा, इनमें से कौन सा होगा आपको आंसर देने हैं। तो आप हमेशा लिखते रहते हो तो ये क्या है, भारतीयों, क्या होता है, भारतीयों, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का स्त्रीलिंग होगा, पहला है सूर्यानी, बी है सूर्या, सी है सूर्याई और डी है सूर्यो, क्या है, सूर्यो। तो सूर्यानी तो नहीं होगा, क्या होगा इसका, सूर्या, क्या होगा, सूर्या। नेक्स्ट देखते हैं, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप, इस वाक्य में रंगीन जो शब्द दिख रहा है वो क्या है, वो कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। देखो बुढ़ापा
बुढ़ापा में एक भाव छिपा हुआ है ना। तो भाव छिपा हुआ मतलब क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। अब इसमें आप बताइए कि क्या हो रहा है, किसमें संज्ञा शब्द है। क्रोधी तो व्यक्तिवाचक हो जाता है, भाववाचक हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, क्रोध, है ना। क्या है क्रोध, जो है क्या होगा, एक स्थान है जहाँ पर आप क्रोध कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, एक संज्ञा नाम दिया जा सकता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है आंसू का बहुवचन क्या होगा। आंसू, आंसुएं, आंसुओं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसू, क्योंकि आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है उसे बताइए, बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया। ठीक है, अकारांत और इकारांत और अकारांत, इससे देखकर आप समझ सकते हैं क्या होगा, इनमें से एक पुल्लिंग है उसे बताएंगे आप। ठीक है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे संबंधित। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय, किसके आधार पर किया जाता है आपको हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण। ठीक है तो दोस्तों मैंने बताया था आपको इसमें संज्ञा का होना आवश्यक है, किसका, संज्ञा का। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु, चारों में से कौन सा होगा। दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शत्रुता, क्या हो जाएगा, शत्रुता। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए, अपराध, अध्याय, स्वदेश और स्थापना। तो अकारांत और आकारांत के हिसाब से देखा जाए तो स्थापना क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है, चार, पाँच, छः या सात। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कितना, पाँच, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गाय, पहाड़, यमुना और आम। बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न है ना। गाय, गाय बोलेंगे तो पूरे गाय समूह का ही क्या हो जाएगा, आपका बोध हो जाएगा, है ना। यदि हम पहाड़ बोलते हैं तो पूरे पहाड़ का पूरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यमुना बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, या आम, आम के बात करें तो पूरे आम का प्रयोग हो जाएगा। मतलब ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा, सॉरी क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जाति थी। यमुना क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक। यमुना को विशेष नदी या किसी का नाम होगा। ठीक है, चलिए ना, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पहला है जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य, इनमें से कौन सा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों सुंदर में कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं, सुंदर कोई भी हो सकता है। ठीक है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा संज्ञा भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई है, चतुराई, लड़ाई और उतराई, इनमें से कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। चतुराई तो है, उतराई भी है, लड़ाई भी है,
मिठायनी, यदि मिठास बोला जाए तो भाव भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब देखते हैं जाति वाचक संज्ञा बताना है। पहला है लड़का, सेना, दुख और श्याम। श्याम क्या हो जाएगा, ये भी संज्ञा तो है लेकिन श्याम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। दुख क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सहारा, सूची पत्र, श्यार या परिषद। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा, परिषद। परिषद क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग होगा, नेता, नेतृ, नेतिन या नेताइन। पुल्लिंग शब्द है ना कि स्त्रीलिंग, इसे सीधे से बात है क्या हो जाएगा आपका, नेता क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा 15 से 20 क्वेश्चन हमने देखे। हम कल पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, नेक्स्ट वीडियो में विशेषण, क्रिया और अवयव। उसके बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चन भी, आगे का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।